हेलो फ्रेंड्स, मैं भाई क्या सबका डायमेंटेक क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ व तंदुरुस्त होंगे। कोरोना के चलते आप कृपया करके पीएम की जो गाइडलाइंस है कोरोना के अगेंस्ट फाइट करने के लिए उनको फॉलो करें। आपने भी बाहर निकले तो चेहरे पर मास्क लगाए और वापस आते ही हैंड वॉश करें और उसके बाद घर पे कहीं भी छुए। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना सीखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा होगा, रियल, डिस्टिंक्ट, इक्वल एंड रियल एंड इमेजिनरी रूट्स ये सीखा था। आज हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का या एक्सप्रेशंस का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपको क्वेश्चन आएंगे जैसे कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन Then, जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ वेरीफाई किया था, तो वैसे यहां पे भी हमें वेरीफाई करना है। देन वेरीफाई एचसीएफ एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल टू यूएक्स मल्टी वीएक्स। यूएक्स और वीएक्स क्या होंगी, दो जो दो एक्सप्रेशन जो दिए होंगे वो यूएक्स और वीएक्स होंगे। जैसे कि देखिए, आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको जैसे कि दिया है कि 24x² yz एंड 27x⁴ y² z² इनका एलसीएम व एचसीएफ फाइंड करना है। क्वेश्चन देखिए सॉल्यूशन, लेट गिवन एक्सप्रेशन, क्या गिवन है, तो फर्स्ट वाली जो है वो किसके इक्वल होगी, यूएक्स के। यूएक्स इक्वल टू 24x² yz, ओके। एंड वीएक्स क्या हो जाएगी, सेकेंड वाली 27x⁴ y² और z². अब हम क्या करेंगे, इनके मल्टीपल्स लेंगे। तो देखो, अब 24 है तो आप 24 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 कितना हुआ, 8, 8 × 3 = 24 और फिर x² y and z आ जाएगा और फिर इसमें 27 है, 27 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3³ लिख सकते हैं, 3³27 होता है और ये x⁴ y² and z² स्क्वायर हो गया आपका स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको फैक्टराइज में लिख दिया। अब हम इनके मल्टीपल्स देखेंगे, कॉमन मल्टीपल्स। सो कॉमन मल्टीपल्स, ओके। तो देखिए, आपको पता होगा सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होता है, हम हमेशा देखते थे कि इनके जो फैक्टर्स है उनमें फैक्टर्स की हाइएस्ट पावर का प्रोडक्ट जो होता है वो होता है एलसीएम। तो देखिए यहाँ पे 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, क्यूब, तो 2³ हो जाएगा, तो 2³ हो गया, ठीक है। फिर 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, देखो 3³, तो ये भी हो जाएगा 3³। देन क्या है आपके पास, x है, तो x की अब हाईएस्ट पावर x⁴। फिर y की पावर कितनी है आपके पास, हाईएस्ट xy², तो y² मल्टी जेड की z² तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए कितना हो रहा है, 2³ होगा 8 और 3³ 27 मल्टी x⁴ मल्टी y² मल्टी z², ओके। अब 27 8 सा ये कितना होगा, 216
ऑफ ही एक्स पावर फोर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये आपका हो गया एलसीएम स्टूडेंट्स। अब आएगा एचसीएफ, एचसीएफ आपने पहले भी देखा था कि इनमें जो कॉमन फैक्टर्स है उनकी लिस्ट पावर। तो देखिए दोनों में टू कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, इसमें है टू इसमें नहीं है, थ्री दोनों में कॉमन है लेकिन ओनली वन टाइम्स है, तो थ्री की लिस्ट पावर कितनी है वन, तो थ्री मल्टी एक्स दोनों में है लेकिन लिस्ट पावर कितनी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, वाई की लिस्ट पावर वाई तो वाई आ जाएगा और जेड की जेड है तो जेड, तो थ्री एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये क्या हो गया आपका एचसीएफ हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है कि एचसीएफ मल्टी एलसीएम करते हैं तो क्या आएगा यू एक्स इक्वल टू वी एक्स, दोनों इक्वल आने चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो फिर हम पुट करते हैं वैल्यूज, आपका एचसीएफ कितना था 216 एक्स पावर फोर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे एचसीएफ से तो एक्स स्क्वायर वाई जेड से मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कितना आ रहा है देखो आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे इसे, तो ये आएगा 648 फिर एक्स पावर फोर एक्स पावर टू पावर साइड होंगी सिक्स एक्स पावर सिक्स देन वाई पावर क्यूब जेड क्यूब, ये तो आपका आ गया एचसीएम मल्टी एलसीएम निकाल लिया। अब हम देखते हैं कि यू एक्स मल्टी वी एक्स कितना आता है, यू एक्स की वैल्यू पुट करेंगे कितना है मतलब फर्स्ट एक्सप्रेशन कितनी है 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड जो एक्सप्रेशन है वी एक्स वो एक्स पावर फोर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, अब 24 मल्टी 27 हम करते हैं तो ये भी आएगा 648 और ये आएगा एक्स पावर सिक्स वाई क्यूब जेड क्यूब और ये अपने एलसीएम मल्टी एचसीएफ का जो आया था उसके इक्वल है, तो एलसीएम एलएचएस इक्वल टू आरएचएस ट्रू कर लिया हैंस ट्रू। तो इस तरह से आप किसी भी एक्स दो एक्सप्रेशंस का एचसीएफ पहले एलसीएम निकाल सकते हैं फिर एचसीएफ निकालेंगे और इस फॉर्मूले में दोनों की वैल्यूज पुट करके एलएचएस और आरएचएस इक्वल आता है तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप किसी भी एक्सप्रेशन को एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि एलसीएम में हमेशा क्या करेंगे हम इनके जो फैक्टर्स की के जो फैक्टर्स होंगे उनकी हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट लेंगे, क्या लेंगे जैसे टू फैक्टर है किसी में भी आ रहा हो बोले उसकी जो हाईएस्ट पावर कितनी क्यूब है तो क्यूब लेंगे ऐसा, तो उनकी हाईएस्ट पावर के का मल्टीपल लेंगे। और एचसीएफ क्या होगा उनमें जो कॉमन फैक्टर्स है कॉमन फैक्टर्स जो है उनकी लिस्ट पावर का प्रोडक्ट जो होगा वो एचसीएफ होगा स्टूडेंट्स। फिर इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और मैं इससे रिलेटेड आपको एक कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता हूं जिसको आप घर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नोट कीजिए फर्स्ट है 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमा 48 एक्स पावर फोर जेड। तो स्टूडेंट्स इसके एचसीएफ और एलसीएम निकालने आपको और फिर वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टी एचसीएफ इक्वल टू यूएक्स मल्टी वीएक्स। और स्टूडेंट्स आप एनसीईआरटी जो है उसमें भी बहुत से प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं उनको भी आप सॉल्व करते रहिए घर पे और उनसे रिलेटेड भी आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको एज सून एज उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स आपको ये आज की क्लास पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर ले तभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको फ्यूचर में और भी वीडियोस मोर लेटेस्ट वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाए। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।